हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रोशन और आज मैं रेहू मछली करी बनाएंगे। मछली करी बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक इंच अदरक का टुकड़ा है, मैंने कट कर लिया है। ये लहसुन है और ये दो हरी मिर्च है। आप कम या ज़्यादा, जैसा तीखा आप खाना पसंद करते हैं वैसा कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये मैंने जीरा लिया है थोड़ी सी, ये थोड़ी सी काली मिर्च है और ये राई है, इसको सरसों भी बोलते हैं। और ये मछली मैंने हाफ के जी लिया है, इसको धो लिया है मैंने। तो फिर आगे इन सारे मसालों को मैं पीस लेती हूँ, उसके बाद और मैं पाउडर डालूँगी, तो और आगे मैं दिखाती हूँ पीस करके। तो मसाले को हमने पीस लिया है, अब इसमें ये धनिया पाउडर हम डालेंगे एक चम्मच और ये हल्दी पाउडर डालेंगे हाफ चम्मच इससे। और फिर ये मसाला तैयार है, अब हम मछली में डालते हैं। मछली को फ्राई करने के लिए इसमें भी हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी और फिर ये जीरा और काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच इसे डालेंगे। आप इसमें मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा मिला सकते हैं, लेकिन मैं नहीं मिला रही हूँ, मैं नमक इसमें डालूँगी। और इन सबको मिक्स करके मैंने लगभग एक टीस्पून के लगभग मैंने डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और मैं इन सब मछली को मिक्स पूरा कर लूँगी मसाले में, कोट कर लूँगी इसको, फिर मैं तेल में फ्राई करूँगी। तो आगे हम दिखाते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने ये छोटा सा प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और ये थोड़ा सा राई लिया है हमने, ये थोड़ा सा जीरा है, ये थोड़ा सा मेथी है। तो चलिए पहले मछली फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद फिर मसाला फ्राई करेंगे, भुनेंगे मसाले को। तेल हमने डाल दिया है, गर्म हो रहा है तेल। अब उसमें हम डालेंगे मछली फ्राई करने के लिए। अब तेल कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, मैं फ्राई करना है इसलिए थोड़ा ज़्यादा मैं डालती हूँ। अब इतना फ्राई हो जाएगा, उसके बाद और मैं डालूंगी। आग को मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज करने पर अंदर से नहीं सिकता है, बाहर से जलने लगता है, इसलिए धीरे धीरे फ्राई होने देंगे। अब इसको पलटते हैं, ये अंदर से नीचे से थोड़ा सिक गया है, फिर इसको पलट करके फिर सूखने देंगे ऐसे। तो देखिए कितना अच्छा सिक गया है। अब ऐसा ही हमको सारा मछली भूनकर निकाल लेना है। अब मछली जब भी बनाएं तो सरसों ऑयल में ही बनाएं, अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं सारे भून ले रही हूँ, फ्राई कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ, निकालती हूँ इसको। तो सारे निकाल दे रही हूँ। देखिए कितना अच्छा भुना है, क्रिस्पी क्रिस्पी, इस तरह से भुने बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल क्रिस्पी। फ्राई करें धीरे धीरे स्लो आंच पे। अब मसाले को भूनते हैं और हम डाल देंगे। मैंने सरसों का ऑयल थोड़ा सा डाल दिया है,
अब इसको इसमें जीरा डालेंगे, थोड़ा राई डालेंगे, मेथी डालेंगे, अब प्याज को डालेंगे। ब्राउन होने तक इसको भूनते हैं। ये ब्राउन हो चुका है, अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। हाफ टी स्पून, आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मसाले में अगर फिश मसाला डालना चाहें तो भी डाल सकते हैं। मैं देसी तरीके से बना रही हूँ तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। अब इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। बीच बीच में चलाते रहेंगे, मसाले को भूनना है अच्छी तरह से। तो देखते हैं, देखिए इस तरह से ये पक रहा मसाला, ये अच्छी तरह से तेल छोड़ने लगे, मसाला सूख जाए तो मसाले तैयार हो जाएंगे इसकी ग्रेवी बनने के लिए। और इसको अच्छी तरह से हम भून लेते हैं, अभी नहीं तैयार हुआ है। भून कर फिर आपको दिखाते हैं। ढक देते हैं इसको। मसाले देखते हैं तैयार हुए या नहीं। देखिए ये तेल अलग हो गया और मसाले अलग हो गए, देख सकते हैं ये तेल अलग से निकलने लगा है। ये मसाला इस तरह से तैयार हो गया है। इसमें हम मछली फ्राई किया हुआ डालेंगे। करेंगे इसको, अब इसमें पानी ग्रेवी बनाते हैं। पानी को डाल रहे हैं, इतना काफ़ी है। आप जैसा चाहें वैसा, थोड़ा ये पकेगा भी पतला है। इसको ढककर और पकने देते हैं। अब देखते हैं तैयार हुआ या नहीं। ये देखिए पक रहा और इसकी ग्रेवी भी अच्छी है। हमको इसी तरह का चाहिए, इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते क्योंकि ये चावल में खाने के लिए अच्छा है। अब इसमें हम धनिया पत्ता डालते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करें। दिखाते हैं, बिल्कुल देखिए देसी स्टाइल में बना है, निकाल कर आपको दिखाते हैं। तो लीजिए हमने निकाल दिया, ये गरम गरम फिश करी तैयार है बिल्कुल देसी स्टाइल में। तो आप भी बनाइए और खाइए मेरे तरीके से।
बहुत ही अच्छी बनी है और बहुत अच्छी टेस्टी लगती है। तो इसी तरह से बनाइए रोटी चावल, किसी के साथ भी कुछ भी खा सकते हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, आप किस तरह से बनाते हैं कमेंट करें और बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।